तो गुजरात में पहले चरण का प्रचार कल शाम ही थम गया, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। एमसीडी चुनाव की वोटिंग से 72 घंटे पहले आज दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों का मेला लगेगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी नेताओं की भीड़ भी आम आदमी पार्टी को एमसीडी जीतने से रोक नहीं सकती। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव की जंग में एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता रोड शो करते दिखेंगे। इनमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर दिल्ली में रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभालेंगे। सांसदों में तेजस्वी सूर्या, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरुहा का रोड शो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। निर्धारित है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में रोड शो के जरिए वोट मांगने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फिर से हराने का दावा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनावों में 230 सीटें जीतने जा रही है। मेरे को लगता है दिल्ली के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक बार जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी और वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मुझे लगता है 230 के ऊपर आना चाहिए और गुजरात में हमारी जीत होनी चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एमसीडी चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर भी घमासान जारी है। जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे का भी जिक्र किया। भाई, आपको ये सारे वीडियो की सीरीज लाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, आपने कोई काम नहीं किया और आपने 15 साल जम के भ्रष्टाचार किया। अब जनता इसके बारे में चर्चा ना करे इसलिए आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर है। बीजेपी को किला बचाना है तो आम आदमी पार्टी को ये दिखाना है कि दिल्ली की जनता उनको बीजेपी के विकल्प के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।